गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग चौथी कक्षा के हिंदी पाठ में कविता पढ़ेंगे, जिस कविता का शीर्षक है भारत देश महान, यानी भारत देश की महानता कैसे परिलक्षित होती है इसके विषय में इस कविता के माध्यम से समझ सकेंगे। जय जय भारत देश महान, हे भारत वर्ष, हे भारतवासी, हम लोग भारत के लिए जयगान जय घोष करने का प्रयास करें। जय जय भारत देश महान, धरती पर है जो वरदान, इस संसार रूपी धरती पर भारत वर्ष की गरिमा महिमा वरदान के रूप में परिलक्षित होती है, इसलिए भारतवर्ष की जयगाथा को हमारे कवि लिख करके व्यक्त किए हैं। जय जय भारत देश महान, हे भारतवर्ष, आपकी महानता अनोखी है, धरती पर है शान, धरती पर है जो जो वरदान, ये धरती के लिए वरदान रूप में है भारतवर्ष की भूमि। गौतम महात्मा बुद्ध, गौतम गांधी ने सत्य अहिंसा, गौतम महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया किनको? हम बच्चे को, हम भारतवासी को का पाठ पढ़ाया है। रक्षा खातिर खड़ग उठाया, रक्षा के लिए, इस भारतवर्ष की रक्षा के लिए हमारे वीर जितने कुर्बान हुए, खड़ग तलवार उठा करके इस भारत भूमि की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे और अपने आप अपने जान की आहुति दिए, गुरु गोविंद सिंह ने सिखलाया। यह बात गुरु गोविंद सिखलाने का कार्य किए, इसलिए भारत वर्ष की जय गाथा मनाने में हमारे कवि लेखनी द्वारा बहुत अच्छे ढंग से परिमार्जित रूप में लिखने का प्रयास किए हैं। राजगुरु सुखदेव, भारतवर्ष के लिए अमर शहीद जो हैं राजगुरु और सुखदेव, अपने अमरत्व को प्राप्त कर लिए हैं इस भारत भूमि की रक्षा के लिए। भगत सिंह कुर्बानी के देव, भगत सिंह और भी शहीद हुए जो भी यहाँ के महापुरुष हैं, अपने आप को कुर्बान कर दिए, अपने प्राणों की आहुति दे दिए इस भारतवर्ष की जय गाथा के लिए। और माँ शक्ति रूप में, माँ शक्ति बनकर जो आई, माँ शक्ति के रूप में बनकर जो आई थी वह रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई जो है शक्ति के रूप में परिलक्षित हुई, जो भारतवर्ष की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और शक्ति का प्रतीक के रूप में अपने नाम को अग्रसरित की। एक नहीं अनेक लड़ी जंग, एक ही नहीं अनेकों लड़ाई की जंग को उन्होंने स्वीकार कर इस देश की रक्षा के लिए अपने आप को आहुति दे दी। आज़ादी के कई है रंग, तब आज़ादी के रंग को हम लोग आज देखने को मिल रहा है, जो शक्ति रूपी कुर्बानियों द्वारा और देश के अनेक वीरों द्वारा, सपूतों द्वारा यह भारत वर्ष की जय गाथा देखने को आज हम लोगों को मिलती है। कभी औरों से, कभी अपनों से, कभी आपस में भी कुछ न कुछ बातों को लेकर जंग छिड़ जाता है। कभी औरों से, कभी अपनों से, कभी औरों से भी, और लोगों से भी, दूसरों से भी, और कभी अपनों से, कुछ अपनों से भी इस जंग का न कोई अंत, इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है, इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है। देश के लिए जो हुए कुर्बान, भारतवर्ष के लिए जो लोग कुर्बान हुए, अपने आप अपने प्राण की आहुति दिए, वे आज भी अमरत्व को प्राप्त करके किसी न किसी रूप में जिंदा हैं। तभी आज हम पुकारते हैं कि भारत माता की जय,
और उन कुर्बानियों की जय जयगाथा तभी गाई जाती है जो अपने आप को किसी चीज़ के लिए समर्पित कर देते हैं, आहुति दे देते हैं, प्राण की परवाह न कर अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। वे आज भी हैं उदाहरण जीवित, वो आज भी उदाहरण के रूप में जिंदा हैं। जय जय देश, जय जय भारत देश महान। हे भारतवर्ष, आपकी महानता की गाथा को गाना बहुत ही सर्वोपरि माना जा रहा है। धरती पर है जो वरदान, इस भारतवर्ष की भूमि के लिए आप वरदान रूप में हैं, जो विश्व स्तर पर इनकी गुण गाथा को गाने का प्रयास करते हैं। तो उन कुर्बानियों को, उन शक्ति रूप में दुर्गा को, उस शक्ति रूप में काली को, उस शक्ति रूप में लक्ष्मीबाई को सभी लोग नाम जीवंत के रूप में लेते हैं। इसलिए जय जय भारत देश महान। है भारतवर्ष, आपकी महानता की गरिमा बहुत ही निराली है। धरती पर है जो वरदान, इस भारतवर्ष की भूमि के लिए आप वरदान के रूप में आज तक और कई जुगों जुगों तक परिलक्षित होती रहेंगी, जिसको नकारा नहीं जा सकता।